यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर मुजफ्फरनगर के खतौली में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लापता युवक का रॉबिन के दोस्त आरोपी मोंटी ने पत्नी से अवैध संबंधों के चलते गला रेत कर युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए गांव के बाहर शव को छुपा दिया। अब पुलिस ने आरोपी युवक बंटी की निशानदेही पर लापता युवक का शव बरामद किया है। जिसके पास बैठने को मना करे थे उसके पास ही बैठ के दारू पी इन्होंने तीनों ने। जहाँ जिसके काम कर रहा था वो तो गली पे छोड़ के चले गए भैंसी के हैं। फिर जो है बस हमें तो रात को घर आया नहीं, हमने सोचा भाई हो सके रिश्तेदारी में चला गया चांद संबंध अपने मामा के। अब सवेरे जो फोन करे हैं दूसरों ने जहाँ दुकान पर नौकरी करा था, अब वहाँ से जो है पता चला है कि भाई जब फोन कर रहे हैं। आज दोपहर तक भी फोन चालू था। लेकिन एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में है जिसका नाम बंटी है, जो उसका साथी था। उसको शाम को हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी वो पत्नी पे गलत निगाह रखता था और उसी के कहा सुनी में शराब के नशे में उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसी की निशानदेही पर इसकी बॉडी को बरामद किया गया है और साथ साथ उसके पास से आला कत्ल भी बरामद किया गया है। ये देखा जा रहा है कि इनके पुराने क्या प्रकरण थे या क्या संबंध थे, उसके बारे में भी जब अग्रिम विवेचना होगी तो गहनता से जानकारी की जाएगी।